तमाम विरोधों के बाद संजय लीला भंसाली की पद्मावत रिलीज हो गई है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस भी किया है। दीपिका ने बताया कि उनके घर में कभी कभार करणी सेना को लेकर बातचीत होती थी। मेरे पेरेंट्स को मुझ पर भरोसा था, मेरे लिए पद्मावती एक योद्धा थी और उस किरदार को निभाना मेरे लिए काफी कठिन रहा। पद्मावती ने मुझे नहीं छोड़ा। अपने रोल के बारे में बात करते हुए दीपिका ने कहा कि किसी भी रोल से इतनी जल्दी बाहर आना आसान नहीं होता। रानी पद्मावती ने मुझे अभी तक नहीं छोड़ा है। अभी तक का सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट मुझे जावेद साहब ने दिया। उन्होंने कहा कि मैंने फिल्म देखी और मैं जब नरगिस और मधुबाला के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मदर इंडिया और मुगले आजम, पद्मावती तुम्हारी मदर इंडिया है। बहुत कुछ है कहने को। विरोध की बात करते हुए दीपिका ने कहा कि जो हुआ उसने मुझे सरप्राइज नहीं किया, लेकिन मैंने रिस्क लिया। इन सब बातों के बारे में कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं अभी सिर्फ इस पल को सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली में थी। मेरे पापा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला और इस मौके को हम सब ने मिलकर सेलिब्रेट किया। मेरे माता पिता को मुझ पर गर्व है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।